नमस्कार, अम्मा की थाली में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार आलू के पराठे। आलू के पराठे तो खाना सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर लोग नाश्ते में आलू पराठे बनाते भी हैं। तो आज हम एक नए तरीके से आलू पराठे बनाने वाले हैं। यह पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं मसालेदार आलू पराठे बनाना। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 उबले आलू लिए हैं, 1.5 कप गेहूँ का आटा, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे इस बर्तन में। यहाँ हमने कद्दूकस करने का मशीन लिया है, अब इसी से हम आलू को कद्दूकस करेंगे। ये सारे आलू को हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब आलू हम डालेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1/2 छोटी चम्मच गेहूं का आटा डालकर गूथेंगे। आलू में आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस तरह मिलाते जाएंगे जिससे मसाले और आलू आटे में अच्छे से मिल जाएं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू गीले हैं, आलू की मदद से हमारे आटे गुथा जाएंगे, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। थोड़े आटे और डाल देते हैं। ये बाकी बचे हुए आटे को मिला देते हैं। ये आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंथकर तैयार कर लिया है। अब हम पराठे बनाएंगे। हाथ में थोड़ा तेल लगाकर हम पराठे के लिए लोई बनाएंगे। हम लोई थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि पराठे हमें मोटा बेलना है और आलू के पराठे थोड़ा मोटे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने सूखा आटा लिया है। अब लोई को थोड़ा हाथ से दाब कर इसमें सूखा आटा लगाएंगे। लोई के दोनों तरफ से सूखे आटे अच्छे से लगा देते हैं। अब हम पराठे को बेल लेते हैं। पराठे में थोड़ा सूखा आटा और लगा देते हैं। अब इसे इस तरह घुमाते हुए बेलते जाएंगे। इस तरीके से हमने पराठे को बेल लिए हैं। पराठे को हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह हम बाकी पराठे बना लेते हैं। उसी तरीके से इसको भी लोई बनाकर सूखे आटे लगाकर बेल लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सूखा आटा और लगा देते हैं। अब इसको भी गोले आकार में बेल लेते हैं। ये हमने एक एक करके सारे पराठे को बेल लिए हैं। अब हम पराठे को सेकेंगे। पराठे सेकने के लिए गैस पर तवा रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, तवा को गर्म करेंगे, तब इस पर पराठे डालकर सेकेंगे। तवा हमारे गर्म हो गए हैं, अब इस पर हम पराठे को डाल देते हैं। हम पराठे को तुरंत नहीं पलटेंगे, जब नीचे से हल्का सिक जाएगा तभी पलटेंगे। पराठे नीचे से हल्का सिक गए हैं, अब इसको पलट देते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा तेल लगा देते हैं। इसको उस तरफ पलट देते हैं, इस तरफ भी तेल लगा देते हैं। अब इसको उस तरफ पलट देते हैं।
और इसे फलटे से हल्के यहाँ से दाबते हुए सेकेंगे। ये पराठे हमारे सेक गए हैं, अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के पराठे सेक लेते हैं। इसको भी पलट कर तेल लगा देते हैं। अब पराठे को उस तरफ पलट कर तेल लगा देते हैं। उसी तरीके से इसको भी फलटे से दाबते हुए सेक लेते हैं। ये दूसरा वाला पराठा हमारा सिक गया है, इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। एक एक करके हमने सारे आलू के पराठे सेक लिए हैं। ये हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज के उबले आलू, 1.5 कप गेहूं के आटे में 5 पराठे बनाए हैं। इसे बनाने में हमें पूरे 15 मिनट लगे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर नाश्ते के रूप में बनाकर सब्जी के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर वैसे भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में पैक कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, पराठे खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इस तरीके से आलू पराठे अपने घर पर कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बनाकर खाएं। ये पराठा आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।